खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आप सबको मालूम है कि मैं 3 दिन रहा कर्नाटका के अंदर, मैंगलोर, बेंगलोर और हुबली, सब जगह माहौल जो कांग्रेस पक्ष के अंदर है, ये एहसास प्रधानमंत्री जी को भी और उनके तमाम साथी उन सबको है। इसीलिए आप देख रहे हैं रूट शो हो रहे हैं वहाँ पर, पूरा वक्त जो है 54 लोग मारे गए मणिपुर के अंदर, कोई परवाह नहीं हो रही उसकी, 5 जवान शहीद हो गए, पर वो लोग चुनाव जीतने को ही सब कुछ मानते हैं। हैदराबाद में चुनाव होंगे नगर निगम के, तो PM और HMR जाएंगे। ये हालात है देश के अंदर, इसलिए देश में बहुत आक्रोश है। हम बार बार कहते हैं कि देश की दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जा उड़ रही है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेल में बैठे हुए हैं, आलोचना इनसे सहन नहीं होती है। और आलोचना, मैं समझता हूँ कि पक्ष बिना विपरीत के पक्ष क्या होता है, और ये इसका नमूना आज सामने आ गया। जिस प्रकार मणिकांत राठौड़ ने, जो इतने क्रिमिनल आदमी है, उसने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे व्यक्तित्व के धनी, उनके उनके परिवार को सफाया करने का जो बयान दिया है, उससे घिनौनी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति बचपन में अपनी झोपड़ी को जलते हुए देख चुका है, परिवार के पूरे लोग जल गए उसके अंदर, एकमात्र उनके पिताजी बचे, वो संघर्ष करते करते आज 9 बार MLA, 2 बार पार्लियामेंट मेंबर, नेता प्रतिपक्ष, सब कुछ बने। उनके ऊपर भी अगर ये कोई हिम्मत कर सकता है, तो वो हिम्मत कर सकता है जब उसको एहसास हो कि मैं बचा लिया जाऊंगा। हिम्मत तब होती है जब एक व्यक्ति को एहसास हो आगे बचा लिया जाऊंगा, वरना कैसे हिम्मत कर सकता है। इतनी बड़ी जो कांग्रेस अध्यक्ष हो, इतनी पुरानी पार्टी का, उनके ऊपर आप ये इसका कदर का जो वीडियो सामने आया है, और कोई रिएक्शन नहीं। इलेक्शन कमीशन मौन, जो आप देखते हो लगातार मौन धारण किए हुए, वो तो है। और प्रधानमंत्री जी ने, मैंने सुना, अभी तक कुछ कहा नहीं है। ये भी नहीं कहा हम जाँच करवाएंगे। तो ये जो हालात है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर हालात बनते जा रहे हैं। अब भी अगर देशवासी भी, और हम सब प्रदेशवासी, मीडिया, साहित्यकार, लेखक बहुत बड़ी भूमिका के निभा रहे हैं, मैं बराबर सुन भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, आर्टिकल भी आ रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं अभी तक लोग। एक विद्वान ने, जो साहित्यकार या लेखक थे या एक्सपर्ट थे मीडिया के, उन्हें कहा एक गटर वाली पॉलिसी हो गई है, कल रात को मैंने सुना, गटर के लेवल की पॉलिसी जा चुकी है, यहाँ तक मतलब लोग बोलने लग गए हैं। तो ये सवाल चुनाव जीतने हारने का नहीं है। अब देश के अंदर हालात जो बन गए हैं, जिस प्रकार से 9 साल शासन चल रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत से शुरुआत करी, तो JP Nadda क्यों नहीं बोलेंगे? JP Nadda की हिम्मत क्यों हुई है जब प्राइम मिनिस्टर खुद ही पार्टी बने हुए हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, मतलब एक पार्टी शासन कर लो, का मत होता है। बाकी पार्टियां तो रीजनल पार्टी हैं, नेशनल पार्टी सिर्फ कांग्रेस है। अगर उसको मुक्त करने की बात जो करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक पार्टी शासन तब देश को ले आ रहे हो, वो और भी खतरनाक है रशिया और चाइना की तरह। इन हालातों में मैं समझता हूँ कि हम यहाँ जयपुर में बैठ के बात कर रहे हैं, अलग बात है। इसी प्रकार पूरे देश के हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर तहसील में चर्चाएं हो, जो आवश्यक है। अगर हम लोग पब्लिक को कन्विंस नहीं करेंगे या पब्लिक तक मैसेज नहीं देंगे, तो आने वाला वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है आपके हमारे भी। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, चिंता दिमाग में, दिल में रखते हुए कह रहा हूँ। ये भले ही अभी बहुत इनका एजेंडा फिक्स है, BJP RSS का एजेंडा फिक्स है, देखिए
उनके लिए चिंता का विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एजेंडा उनका है उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चिंता होनी चाहिए देश को और प्रदेश को, और सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। अगर वो सही है तो उनको कहे फिर सही बार आकर के, गलत नहीं कहे, गलत कर रहे हैं काम। मौन धारण करना और खतरनाक होता है। तो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी है, साहित्यकार है, लेखक है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो राजनीतिक नेता है, कार्यकर्ता, उन सबको बोलना चाहिए। किसी पक्ष में बोलो, विपक्ष बोलो, उनकी मर्जी है, बोलो तो सही कम से कम, नहीं बोलोगे तो जनता समझ नहीं पाएगी लोकतंत्र में। अब बताइए, एक ऐसा नेता जो 50-52 साल की उनकी सेवाएं देश के लिए हैं, कई बार मंत्री रहे वो कर्नाटक के अंदर, केंद्र में रेल मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा के अंदर, और जैसे ही वो सक्षम होने लगे राज्यसभा के अंदर भी और बाहर, उन्होंने एज ए कांग्रेस अध्यक्ष सब पार्टियों को एकजुट करने की भूमिका अदा करनी शुरू करी, और कामयाबी हासिल होने लगी, और ये उनके धमकाने वाली बात हो गई। इसको समझने की जरूरत है, क्यों हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बातें तो कहने को बहुत सारी है, अध्यक्ष ने कह दिया आपको, उनका बैकग्राउंड क्या है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर इस प्रकार से अगर ये स्थिति बनेगी तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग बाकायदा हम अपनी भूमिका अदा करें, और भूमिका के अंदर मैं समझता हूँ कि हमें चाहे जन जागरण करना पड़े वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, जिससे कि जनता को मालूम पड़े कि वास्तव में हम किस दिशा में जा रहे हैं। वो हमारा यहाँ का विधायक जो है मदन दिलावर, मृत्यु की कामना कर रहा है, 80 साल के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, भगवान उन्हें कभी उठा सकते हैं। ये लैंग्वेज बीजेपी की हो सकती है, ये लैंग्वेज बीजेपी ही हो सकती है। नंदा साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी को मैं कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस की नहीं हो सकती है, ये लैंग्वेज कभी नहीं हो सकती कांग्रेस की। मैं भी 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, मैंने ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं सुनी कांग्रेस वालों से, चाहे कितना ही हमारा क्रिटिक क्यों नहीं हो, उनको जीतने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये लैंग्वेज बीजेपी की हो सकती है जो आपके सामने आ रही है, तो इसलिए इनके खिलाफ तो NDPS एक्ट भी है, आर्म्स एक्ट भी है, आपराधिक धमकी भी है, सब तरह से आरोप लग चुके हैं। अब दूसरा, अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे प्रेस सुंदर सिंह जी, बताइए आप, ये पहलवान बैठी हुई लड़की है वहाँ पर जंतर मंत्र पर, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कमेंट करने के लिए कि FIR दर्ज करो इनकी। एक बताइए आपकी, एक कोई धरना हो रहा है राजस्थान में, हमने कर रखा है कोई भी फरियादी जाएगा तो उसकी FIR कंपल्सरी करने का हमने नियम बना दिया है। कितना बड़ा फर्क है बताइए आप, राजस्थान में हर थाने के अंदर थानेदार के खिलाफ एक्शन होगा अगर उसने FIR दर्ज नहीं की तो। इतना बड़ा फैसला हमने कर रखा, और क्या बड़ा इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है। जो कोर्ट केस होके फिर आते थे मुकदमे पुलिस में, वो आने बहुत कम हो गए हैं, माहौल बन गया, तफ्तीश में टाइम बहुत कम लगने लग गया है। तो एक तरफ तो वो राज्य है जहाँ पर FIR कंपल्सरी कर दी है, FIR तो दर्ज करनी है आपको, जांच तो आप करते बाद में, वो भी आपको मंजूर नहीं है। ये स्थिति है देश के अंदर, तो इसलिए हालात बड़े गंभीर है। तो मैंने आपको तकलीफ दी, कम से कम एक बार बैठ के बातचीत करें। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि ये बार बार हम लोग एक ही बात बोलते, देश की दिशा में जा रहा है, कहाँ जाएगा, इसमें मैं बोल रहा हूँ लगातार, आप सुन रहे हो, नई बात बोल दे रहा हूँ, और समझ में नहीं आता कि ये वो कुछ ही बोले मंजूर है। अब सोनिया गांधी जी के बारे में बताइए आप, जो प्रधानमंत्री नहीं बनी हो, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया हो, उस सोनिया गांधी का मान सम्मान आज हाईएस्ट है देश के अंदर। एक महिला जो विदेशी थी, लोग कहते भाई ये कांग्रेस अध्यक्ष कैसे बन सकती है,
और बनने के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस चलाई और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका अदा करी, आज पूरा देश भारतीय संस्कृति की नारी जो होती है, संस्कार होते हैं, परंपरा होती है, उसको इस रूप में निभाया और ऐसा व्यवहार किया कि आज पक्ष विपक्ष कोई हो, मन के अंदर उनका हाईएस्ट रेस्पेक्ट है सोनिया गांधी जी के बारे में। उनका चाइना और पाकिस्तान का एजेंट बता रहे हो और भी कुछ कमेंट करो उनके बारे में। तो ये स्थिति जब बन जाती है तो लोकतंत्र में किस माहौल में हम उतर रहे, मैदान के अंदर किस माहौल में चुनाव कैंपेन हो रहा है, किस लेवल पे जा रहा है चुनाव कैंपेन, ये तो पराकाष्ठा हो गई। बाकी तो पहले भी गए हैं, गुजरात के अंदर हमने देखा है, सब लोग देखते हैं, अब पराकाष्ठा हो गई। पाकिस्तान और चाइना का एजेंट हो गई, मारने की धमकी दे दो अब खड़गे साहब के परिवार को, खड़गे साहब को, इस लेवल पे आप आ गए चुनाव जीतने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। ये लगता है और तो क्या कर सकते, जो हालात है उस पर ये लगता है कि तो घबरा गए लोग और वहाँ 40% की सरकार कहलाती है, जिस रूप में करप्शन हद पार कर चुका है आम जनता ने, बीजेपी वाले खुद भी प्राइवेटली कहते हैं कि 40% के ऊपर काम नहीं होता है, हमने खुद ने महसूस किया वहाँ पर। तो सीएम साहब अब किस तरह से आप देश की जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे, सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस पार्टी या फिर किस तरह से जो है आप जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए और कदम उठाएंगे ताकि कर्नाटक तक ये मैसेज जाए कि सॉलिडेरिटी है, खड़गे जी के लिए ऐसा बोला गया तो पूरी कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी तो रिएक्शन दे ही रही है, अगर आप नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाए हो आपने तो घटना की प्रतिक्रिया होती है वही कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं, मौका पड़े तो आप जुडिशरी में चले जाओ, और तो कांग्रेस क्या करेगी। बाकी तो ये है कि जनता का आह्वान करते हैं कि आप समझ जाओ, संभल जाओ, समझ भी जाओ और संभल भी जाओ। राहुल जी ने जब एक बयान दिया था तो उसके विरोध में बीजेपी वालों ने FIR दर्ज कराई थी, उनकी सदस्यता भी चली गई थी, वो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनके खिलाफ इस तरह से जान के उनको, उनके परिवार को जान से मारने का बयान आया है, आप लोग एक FIR क्यों नहीं दर्ज कराते इसके खिलाफ, क्योंकि यहाँ तो सरकार भी आपकी है, शायद सही ढंग से आपके इसकी जांच भी हो पाएगी पूरे मामले की, क्योंकि उन्होंने भी कर्नाटक में बयान दिया था, गुजरात में दर्ज हुआ। देखिए वो अलग मामला था, मोदी ने केस दर्ज करवाया था अपने आप के ऊपर लेकर, वो अलग किस्सा था। मुख्यमंत्री महोदय ये उससे ज्यादा सीरियस मामला जो है, यहाँ अगर कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है या ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उस वक्त हम देखते हैं क्या करना चाहिए। ये उससे ज्यादा सीरियस मामला है और इसमें पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है, तो राजस्थान में वास्तव में आपको चाहिए कि इसके खिलाफ FIR की जाए, क्योंकि ये किसी सीनियर वरिष्ठ नेता को जान से मारने की धमकी देने का मामला है। तो मैंने कहा कि वहाँ केस तो वहाँ दर्ज होगा जहाँ पर धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री जी हाँ मदन जिला के खिलाफ तो FIR दर्ज हो गई थी ना पहले, एक बार तो भाग गया था वो एक बार वहाँ कैंप जो है डिस्टर्ब करने गया, जैसे ही मालूम पड़ा कि खबर आ गई इसको अरेस्ट कर लो तो भागे वहाँ से, और दूसरी बार जाके फिर ये बयान दिया वहाँ पर। मुख्यमंत्री जी नहीं, कैंप तो इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, तमाम नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं।
कार्यकर्ता होगा आप नेता कब मानोगे कार्यकर्ता बेचारे काम करता करता 15-20-25 साल हो जाते तभी नेता नहीं मानते। हर कार्यकर्ता नेता हमारे यहाँ पर है और इतना सहयोग मिल रहा है पार्टी का हमें आप सोच नहीं सकते। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मुझे तो पार्टी कार्यकर्ते दिखते हैं, सलामी देते हैं, सेवा दल वाले ले आते मुझे वहाँ कैंपों के अंदर, या मैं गए आते हैं या कार्ड बनते हैं या रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सब वही बताते हैं। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है और अच्छा काम वो कर और कैंप इतने सक्सेसफुल चल रहे हैं कि आप खुद देख लीजिए कि 2 करोड़ से अधिक तो कार्ड बन चुके हैं, 50 लाख से अधिक आपके परिवार, 55 लाख परिवार हो गए हैं। और कुछ लोगों ने कहा ये कैंप लग क्यों रहे हैं, मैंने उनको जवाब भी दिया है, आप देखा होगा इतने लग रहे हैं कि लोगों तक फ़ायदा पहुँचे 100%। पहले हमारा अनुभव है 70% तक फ़ायदा पहुँचा, अभी 4 दिन पर एक्सीडेंट हो गया 2 बच्चों का, एक का कार्ड बना हुआ था 5 लाख मिल गए, दूसरे का बना हुआ नहीं था कार्ड, खाली कार्ड नहीं बना हुआ था, उसके कारण 5 लाख नहीं मिल पा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये कई बार लापरवाही, कई बार नासमझ, कई बार आप समझ लीजिए अनपढ़ आदमी है, परिवार तक जा नहीं पाती बात। कल मैं गया एक बार घोड़ी लेके एक औरत थी बैठी हुई थी, मैंने कहा तुम्हें कार्ड मिल गए, कहाँ मिल गए, मैंने उसका वो बैग लिया जो कागज का था, मैंने गिना कार्ड के, मुझे मानता ये जिस स्थिति के अंदर है उसमें कार्ड 5 का मैच का मेरा अंदाज हुआ। कलेक्टर खड़े थे अजमेर के, मैंने कहा भाई आप बताओ, मुझे लगता है ये कार्ड तो इसकी बात नहीं है, पूरी स्टडी हुई 5 कार्डों की, ये कौन सा नहीं उसकी स्टडी हुई, कलेक्टर ने खुद ने दिमाग अप्लाई किया, 2 कार्ड कम थे उसके, पेंशन का कम था और एक और कार्ड का कम था। कहने का मतलब कि कई बार होता है ऐसा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया BPL मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोर्स, 50% की बात नहीं पहुंची मेरी, जबकि उस वक्त BPL की संख्या बहुत अधिक थी देश के अंदर, मैंने उस वक्त किया था कि अनलिमिटेड खर्चा भी हम देंगे आप तो इलाज करवाओ, 5 में 10 लाख तो मैंने दी उस जमाने के अंदर, 25 साल पहले बात दूँ आपको। तो ये मुझे बहुत दुख होता है कि स्कीम हम अनाउंस करें बजट के अंदर, बजट का प्रोविजन उसके अंदर है, तब भी लोग उसका फायदा नहीं उठावे। तो ये हमने सुनिश्चित कर दिया इस बार। और आपको एक बार और बताऊँ मैं आपको, पेंशन बांटी हमने ओल्ड एज पेंशन लास्ट टाइम, ओल्ड एज और निःसज्जन और विधवाओं को, आपको मालूम है कि पेंशन बटने में एक साल में 65 करोड़ रुपये खर्च होते थे खाली बटवाने के लिए पोस्ट ऑफिस से, 65 करोड़ किसे कहते हैं। और अब क्या होगा जब सभी लोग आ जाएंगे उसके अंदर, DBT होगी उन सबकी, DBT हो भी रही है अभी। तो कहने का मतलब ये लोग जो है ये कैंप लग रहे हैं, जिला प्रशासन के जो कैंप लगते हैं सब प्रशासन गाँव के संघ शहरों में संघ के साथ लग रहे हैं, लोगों में उत्साह है, आगे से आगे लोग प्रचार करें अपना अभी अब इसका, इस बार इतनी अच्छी स्कीम मन गई प्रचार अपना हो रहा आगे से आगे, उसका फायदा हर व्यक्ति तक मिले और कैंप लगाए जाएंगे जब तक सब लोग नहीं निपट रहा है, कैंप चलते रहेंगे, कौन कोई तरीका निकालेंगे 2 महीने बाद में भी, कुछ तो परमानेंट कैंप हैं, 2000 कैंप परमानेंट हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बार हर परिवार तक लाभ पहुँचेगा। मुख्यमंत्री जी एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए हुए है, कई सवाल आप कह रहे हो, मैंने नहीं जी, मतलब इस इशू पर केंद्र के केंद्रीय गृह मंत्री, मैंने कहा वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे एक तरीके से। अब चूंकि 10 तारीख को राजस्थान में वो आ रहे हैं, आपकी कई डिमांड थी राजस्थान सरकार की, कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई है जो आप और प्रदेश की जनता चाहती है कि केंद्रीय स्तर पर भी लागू हो, देश भर में लागू हो, क्या लगता है कि अब उनकी चुप्पी टूटेगी, कुछ बोलेंगे वहां पर? अगर आज रात को मैं 2 पत्र भेज रहा हूँ, आज रात को ही मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री जो आ रहे हैं यहाँ पर टनाटो द्वारा में, तो हमारे जो मावर जंक्शन से उदयपुर कामली घाट बहुत इम्पोर्टेंट टूरिज्म के हिसाब से भी, वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, आज तक वो ब्रॉडगेज नहीं हो पाई है, उसको काम को जल्दी करे। और जो संयुक्त रेल मंत्री हैं वो भी सोजत के रहने वाले हैं और सोजत इसके बीच में आता है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि रेल मंत्री कम से कम अपने गांव के अंदर तो जो रेल लाइन जा रही है मीटर गेज, उनको ब्रॉडगेज करने की घोषणा करे, तब तो समझ में आती बात आना उनका सार्थक होगा।
तो तमाम बातें मैंने दिमाग में सोच रखी है, आज मैंने यही काम किया है, लेटर ड्राफ्ट करवा रहा हूँ। और भी रेल लाइन हमारी रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा वो वहीं आता है जहाँ मेवाड़ के अंदर जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और राजमंत्री जी, और बाकी जो सरमत्रा का मैं कह रहा हूँ बार बार, सरमत्रा करौली। सीएम सर, सर नसीराबाद से माधोपुर, तो ये तमाम जो है ईआरसीपी के बारे में तो याद इतने पत्र लिख चुके हैं, इतनी बार पूछ चुके हैं, इतनी बार आप लोगों को ब्रीफ कर चुके हैं, मौका लगते हम तो चूकते तो है नहीं, हम तो बिल्कुल उनको बताते ही बताते हैं, मौका लगते वो नहीं चूकते हैं। जो इन्होंने यहाँ आपके जयपुर में मैंने सुना स्टेशन पर आप बहुत ही क्या थे वो आप डिस्टर्ब थे, प्यासी संकट की बात की थी उस समय नहीं, वो उठापटक उठापटक आप उठापटक थी पार्टी में आपके तब भी आप आए हो यहाँ बताइए आप, तो अगर उठापटक में आऊँ मैं वो बता रहे हैं मुझे समझा रहे हैं मुझसे मांगे कर रहे हो आप रेलवे जी, इस बात की मुझे खुशी है कि आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो, तो राजनीति करने में उन्होंने कमी नहीं रखी। आगे भी मैं जो अवसर लगेगा उसके अकॉर्डिंग टू मैं हर मुद्दा उठाऊंगा राजस्थान जीत के देखते। सर आप महंगाई सर आप महंगाई और विकास के जरिए जनता के बीच जा रहे हैं सर, लेकिन बजरंग बली की एंट्री इस बार थोड़ा जल्दी हो गई है, पिछली बार भी आए थे, तो विकास और महंगाई के मुद्दे के साथ साथ ये जो धार्मिक इश्यूज हैं सर ये भी एक बड़ी चुनौती रहेंगी इलेक्शन में आपको लगता है? तो देखिए इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री मोदी जी पर रोक लगा लेनी चाहिए कैंपेन करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को ये आपके काम की बात आ गई है इसलिए आप उठा रही हो, प्रधानमंत्री जी को इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री पर कैंपेन करने में रोक लगानी चाहिए, तो ईमानदारी की बात कह रहा हूँ आपको, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप कानून पढ़ लीजिए, आप कोई धार्मिक हिसाब से बात करेगा इलेक्शन के अंदर धर्म के नाम पर रोक लगती है उसके ऊपर, इलेक्शन खारिज रहता उसका। बैरूनी शेखावजी थे मुख्यमंत्री बन गए, दो जगह खड़े हुए थे गंगानगर और बाली से, गंगानगर चुनाव हार गए, बाली में चुनाव जीत गए, वही राम मंदिर की बात करने लगे वहाँ पर धर्म धार्मिक, उनके खिलाफ में पेटिशन हुई, इलेक्शन पेटिशन हुई थी उनके खिलाफ में, और वो इलेक्शन पेटिशन चलती रही उनकी मेंबरशिप जा रही थी, और जो गवाह देने जा रहा था आदमी जो सीपीएम माइंड का आदमी था वो आदमी जा रहा था, बस से उतारा उसको पुलिस ने, ले गए संदेश की कुछ भी किया और वो बच गए भैरव सिंह जी, ये नहीं बोलना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे, वो तो छिपा भी नहीं रहे हैं, इशारा भी नहीं कर रहे हैं, उनके वो रोक लगनी चाहिए कि वो कैंपेन नहीं करे वहां पर, ये ईमानदारी की बात है। सीएम सर इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये है सर इससे जुड़ा हुआ सवाल है सीएम सर इससे ही जुड़ा हुआ सवाल है क्योंकि वहां जैसे ही आपने अपने घोषणा पत्र में हनुमान बद्रीनाथ को बैन लगाने की बात की उन्होंने पूरा मुद्दा बना लिया और खुद पीएम मोदी लगातार हनुमान को लेकर रोल कर रहे हैं, राजस्थान में वो आ रहे हैं 10 को और जहां तक है यहां पर ही वो मुद्दा बनाएंगे, तो चुनावी साल में आप इसके काउंटर के लिए क्या कदम उठाएंगे, क्या आप बैन करने की तैयारी है, आप बजरंग दल को बैन करेंगे या फिर आपको इस काउंटर में ऐसा करेंगे वो मुद्दा नहीं बना पाए? देखिए बात सुनिए, कोई संगठन हो किसी नाम का, एनजीओ नाम रखता अपने अपने नाम रखते हैं, जब भगवान राम के नाम का हो, शिव जी के नाम का हो, बजरंग दल के नाम का हो, जो और कोई नाम का हो, सवाल ये है उस संगठन की भूमिका क्या है, जो भूमिका जैसे होती है उस ढंग से कार्रवाई होती है सरकार की, जब वो दोगड़े जी हमारे दूसरे बांट रहे थे तब मैं मजबूर होकर के जो रोका नहीं रुके तो उनको अरेस्ट करना पड़ा, तो डिपेंड करता है कि उस एनजीओ की जिस नाम का दल है उसकी मंशा क्या है, जैसी मंशा होती है उस ढंग की कार्रवाई होती है, और अब ये मुद्दे नहीं बनने वाले देश के अंदर, जो कर्नाटक में इन्होंने मार खाई है
ये ध्रुवीकरण करने में असफल हो गए हैं, अब ये खड़गे साहब का मामला लेकर क्यों आए ये, या सोनिया गांधी के बारे में ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं, इतने बुखला गए कमा इनके जो ध्रुवीकरण के मामले चल नहीं पा रहे इनके। और भी बजरंग बली के नाम से जो उन्होंने आह्वान किया घर घर में, वो भी चल कहाँ पाया, लोग समझ गए अब, पहले लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और गरीब अमीर की खाई, जो राहुल गांधी जी ने कहा था चार मुद्दे मेरे हैं, उन मुद्दों पर जो है आज देश में राजनीति हो रही है। और मेरा बजट जो देखोगे आप, उनका आधार पर हमने बनाया। धन्यवाद मुख्यमंत्री। लास्ट सवाल मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी दी गई है वो ये बताती है कि किस तरीके से बीजेपी घृणा की राजनीति करती है। उन्होंने मदन दिलावर का भी जिक्र किया, हालांकि मदन दिलावर ने अपने शब्दों को वापस लिया था, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था वो वाकई में आपत्तिजनक थी। उन्होंने कहा कि आज जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कोई उनसे बात करने वाला नहीं है।